अदिति और रावी ने सोचा कि वो दोनों रॉकी से कुहू को लेकर बात करेंगे। आज अदिति की हल्दी और मेहंदी की रस्म होनी थी और अदिति उसके लिए तैयार हो रही थी। रावी उसे तैयार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी ने उसे आवाज देकर बुलाया। रावी अदिति को लेकर नीचे हॉल में आ गई। विवान ने स्टेयर्स पर से नीचे आती हुई अदिति को देखा। येलो कलर की स्लीवलेस कुर्ते में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसके साथ उसने फ्लावर्स वाली ज्वेलरी पहनी हुई थी जो अक्सर ऐसे मौकों पर पहनी जाती है। विवान तो उसे देखकर अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। हॉल में जहां अदिति को हल्दी लगने वाली थी उस जगह पर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। हॉल के बीच में दो चौक रखे हुए थे। उनके सामने एक बड़े से कटोरे में हल्दी रखी हुई थी और एक थाली में मेहंदी के बहुत सारे कोन रखे हुए थे। अदिति को ये सब कुछ बहुत फिल्मी सा लग रहा था पर वो बहुत खुश थी। आखिर उसकी लाइफ में भी ये खास दिन आ ही गया था जब उसे किसी के नाम की मेहंदी लगने वाली थी। उसने एक बार विवान की ओर देखा। उसने भी येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था। अदिति ने जब उसकी ओर देखा तो उसने इशारे से उससे कहा कि वो बहुत सुंदर लग रही है और फिर उसने धीरे से उसकी ओर आंख मार दी। अदिति शर्मा गई और उसके चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। रावी ने अदिति को लाकर एक चौक पर बैठा दिया। विवान को भी उसके पास वाले चौक पर बैठाया गया। वहां मौजूद सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। फिर उषा जी आगे आई और उन्होंने सबसे पहले उन दोनों को हल्दी लगाई। उनके बाद माधवी जी, रावी और कुहू ने भी उन्हें हल्दी लगाई। विवान और अदिति दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। आयुष और रॉकी उन्हें छेड़ रहे थे। ऐसे ही मस्ती मजाक में ये रस्म पूरी हो गई। फिर उषा जी बोली, अच्छा बेटा अब तुम दोनों जाकर नहा लो और फिर कुछ खा लो, फिर तुम्हें मेहंदी लग जाएगी तो तुम ठीक से कुछ खा नहीं पाओगे। रावी ने हंसते हुए अदिति को चौक पर से उठाया और उसे ऊपर वाले रूम की ओर ले जाने लगी। विवान भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी आयुष ने उसे आवाज लगाई, अरे विवान तू कहाँ जा रहा है? विवान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, अभी आंटी जी ने कहा ना कि हमें नहा के आना है। आयुष शरारत भरी आवाज में बोला, तो उसके लिए तू ऊपर क्यों जा रहा है? यहाँ मेरे रूम में नहा लेना, वैसे भी तेरा सारा सामान तो यहीं रखा हुआ है। विवान को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो अदिति के पास जाना चाहता था और वो जानता था कि आयुष जानबूझकर उसके साथ मस्ती कर रहा है। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, मैं सामान ऊपर ही ले जाता हूँ ना। आयुष ने कहा, अरे पर ऊपर जाना ही क्यों है? हाँ समझ गया, तुझे अदिति से मिलना है ना, बोल। पर भाई अब शादी से पहले उसे मिलना अलाउड नहीं है, क्यों आंटी जी? सच कह रहा हूँ ना मैं, उसने माधवी जी की ओर देखते हुए कहा। माधवी जी हंसते हुए बोली, बात तो सच में तुम ठीक ही बोल रहे हो बेटा। विवान अब तुम दोनों को हल्दी लग चुकी है तो अब तुम उससे शादी के मंडप में ही मिल सकते हो, उसके पहले नहीं। आयुष और रॉकी विवान की ओर देखकर हंस रहे थे। विवान थोड़ा शर्मिंदा होता हुआ बोला, जी आंटी ठीक है। और फिर उसने खा जाने वाली नजरों से आयुष और रॉकी की ओर देखा। आयुष ने उसकी उस नजर को इग्नोर करते हुए कहा, आओ दूल्हे राजा हम तुम्हें रूम तक ले चलते हैं। आयुष और विवान उनके कमरे में चले गए। रॉकी और अदिति के पेरेंट्स भी बाकी की तैयारियां देखने के लिए चले गए थे। अब हॉल में सिर्फ रॉकी और कुहू ही थे। जैसे ही उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ वो एक दूसरे से बचने के लिए इधर उधर देखने लगे। फिर कुहू अदिति की रात वाली बात याद आई। वो थोड़ी हिम्मत करके रॉकी के पास आई और बोली, सर आई एम सॉरी। रॉकी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तो उन सभी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि। कुहू ने कहा, हाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मेरी ही वजह से ना, ना मैं आपको वो कहती और ना ही बाकी सब उसे सुनते और ना ही वो इसका गलत मतलब निकालते और मुझे आपको वो नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी सर। रॉकी समझ गया था कि उसके वो का मतलब आई लव यू था। वो धीरे से बोला, इट्स ओके तुम ज्यादा मत सोचो, जो हुआ सो हो गया, मैं सब संभालूंगा। उसने इतना कहा ही था कि विवान फिर से हॉल में आया। वो अपना मोबाइल भूल गया था और वो ही लेने आया था। उसने जब रॉकी और कुहू को अकेले में बात करते देखा तो फिर से गलत समझ बैठा। उसने जल्दी से आयुष को आवाज लगाते हुए बाहर बुलाया। आयुष ने बाहर आकर पूछा, क्या हुआ तेरा मोबाइल नहीं मिला क्या? अब रॉकी और कुहू भी उन दोनों की ओर ही देखने लगे थे। विवान उस चौक के पास गया जहां वो अभी कुछ देर पहले हल्दी लगवाने के लिए बैठा था। उसका मोबाइल वहीं रखा हुआ था। उसने अपना मोबाइल उठाकर जेब में रखा और फिर आयुष से बोला, भाई ये गलत है, तूने मुझे तो अदिति से मिलने को मना करवा दिया और यहाँ देख ये दोनों मस्त अपनी प्यार भरी बातों में खोए हुए हैं। आयुष ने हंसते हुए कहा, हाँ तो वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों दूल्हा दुल्हन नहीं बने हैं ना अभी तक, वरना इन्हें भी नहीं मिलने दिया जाता। दूल्हे तो तुम हो इसलिए तुम नहीं मिल सकते, बाकी ये दोनों तो मिल भी सकते हैं। और विवान ने उसकी बात को काटते हुए नकली गुस्सा करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, अगर मैं और अदिति नहीं मिल सकते तो और कोई भी नहीं मिलेगा, न
ना ये दोनों और ना ही तू और रावी। अब जब मैं और अदिति मिलेंगे तब ही तुम लोग भी आपस में मिल पाओगे। आयुष ने चौंकते हुए कहा, अब ये क्या बात हुई, हम भला क्यों नहीं मिलेंगे? और इनकी बात तो समझ में आती है, पर मेरी और रावी की तो शादी हो चुकी है, फिर हमारे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? विवान बोला, वो आज से मैं इस रूल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आज से दूल्हा दुल्हन के साथ साथ उनके दोस्त भी अपने अपने पार्टनर से शादी होने तक नहीं मिल सकते हैं। तुम हमारे दोस्त हो ना, तो तुम्हें ये त्याग करना पड़ेगा। आयुष ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वाह बेटा, ये मेरा पासा मुझ पर ही उलट पड़ गया, पर हम ऐसी दोस्ती नहीं निभाने वाले, क्यों रॉकी? उसने रॉकी की ओर देखा। रॉकी बोला, देखो तुम दोनों जैसा सोच रहे हो, हम दोनों वैसे कोई बात नहीं कर रहे थे, हम तो बस। विवान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम चाहे जो भी बातें कर रहे थे अब नहीं कर सकते, या तो मुझे अदिति से मिलवाओ या फिर तुम लोग भी अलग अलग हो जाओ। कुहू विवान की ये बेताबी देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। जैसे ही वो हंसी सब उसकी ओर देखने लगे। ये देखकर वो थोड़ा एम्बेरस हो गए और फिर एक्सक्यूज भी बोलकर अदिति के कमरे की ओर चली गई। आयुष उसे जाते देख बोला, भाई रॉकी, हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, वरना ये हम दोनों की लव लाइफ में आग लगा देगा। ये सुनकर विवान हंसने लगा और बोला, वेरी गुड, अब आया ना लाइन पर। इधर कुहू जब अदिति के कमरे में पहुंची तो उसने देखा अदिति नहा चुकी थी और अब तैयार हो रही थी। उसने ग्रीन कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था। कुहू हंसते हुए कमरे में आई। उसे हंसता देख रावी ने पूछा, क्या हुआ कुहू, तू इतना हंस क्यों रही है? कुहू ने उन दोनों को नीचे हॉल में जो भी हुआ वो सब बता दिया। वो सब जानकर वो दोनों भी हंसने लगी। अदिति थोड़ा शर्माते हुए बोली, ये विवान भी ना पागल है बिल्कुल, मैंने उसे कल भी समझाया था कि अब बस दो ही दिन की तो बात है। ये सुनकर रावी ने उसकी ओर हैरानी से देखा और फिर उसके कंधे पर अपनी कोहनी रखकर थोड़े शक भरे अंदाज में बोली, कल कहा था से क्या मतलब? कल तो उससे अकेले कब मिली, कल तो सारा दिन हम साथ में ही थे, शॉपिंग कर रहे थे, कहीं तुम दोनों रात को हम सबके सो जाने के बाद तो नहीं मिले ना? हाँ, कहीं तुम दोनों ने? आदिति ने उसे चुप करते हुए झिड़का और बोली, चुप चुप कर, पागल है क्या, कुछ भी बोलती है, वो तो वो सुबह मुझे गुड मॉर्निंग बोलने आया था, तभी मैंने उसे कहा था। रावी उसे बहुत प्यार से देखते हुए बोली, हाय मैं मर जावा, इतना प्यार, हाउ स्वीट, क्यों कुहू? कुहू भी मुस्कुराते हुए बोली, सच में दी, आप दोनों ना एक साथ बहुत क्यूट लगते हो, विवान सर आपको बहुत प्यार करते हैं, मैंने अभी अभी उनकी आंखों में आपसे मिलने की बेकरारी देखी है, वो तो अपना फ्रस्ट्रेशन आयुष सर और राघवेंद्र सर पर निकाल रही है। रावी उसकी बात सुनकर बोली, यार कुहू तू रॉकी को राघवेंद्र सर बोलती है वो तो समझ में आया, पर विवान को सर क्यों बोल रही है? वो तो तेरी दी के होने वाले हस्बैंड है ना, तो उन्हें तो जीजू बुला सकती है, ये सर सुनना बहुत अजीब लगता है। कुहू हंसते हुए बोली, हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई, आज से मैं विवान सर और आयुष सर दोनों को जीजू ही बुलाऊंगी। उसके इतना कहते ही वो तीनों हंसने लगी। फिर रावी बोली, और मैं तो कहती हूँ तू रॉकी को रॉकी ही बोला कर। कुहू ने धीरे से कहा, वो तो मुझसे नहीं होगा, मुझे उनका पूरा नाम ही पसंद है। ये सुनकर अदिति कुछ याद आया, उसने उससे पूछा, अरे हाँ तूने अभी बताया कि जब विवान हॉल में आया तब तू और रॉकी बात कर रहे थे, तो क्या बात हुई, क्या बोला वो? कुहू ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, मैंने उनसे सॉरी कहा तो वो बोले कि कोई बात नहीं, वो सब संभाल लेंगे। उसे उदास देखकर रावी ने उसके पास आकर कहा, अरे तू उदास क्यों हो गई, हम है ना तेरे साथ, देखना सब ठीक हो जाएगा, तू जानती है इस आदिति की लव स्टोरी भी मेरे ही कारण शुरू हुई है, वरना ये मैडम तो अपने कंफ्यूजन में ही उलझी हुई थी, ऐसा ही हाल रॉकी का भी है, पर तू फिक्र मत कर, हम उसे समझाएंगे और वो भी समझ जाएगा, वो क्या है ना मुझे बहुत ही नासमझ दोस्त मिले हैं एक्चुअली। कुहू उसकी बात सुनकर हंसती। आदिति ने चिढ़ते हुए रावी के हाथ पर मारते हुए कहा, हाँ तू तो जैसे बहुत ज्यादा समझदार है ना, चल अब ये बातें छोड़ और ये सोच कि रॉकी से बात कैसे करें। वो इतना बोली ही थी कि तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। उसने देखा विवान का मैसेज था। उसने जल्दी से मैसेज ओपन किया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी जान, मिस यू यार, ये लोग मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहे हैं, पर तुम देखना ये जालिम जमाना हमें ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाएगा, अगर ये हमें नहीं मिलने देंगे तो मैं इन्हें भी इनके पार्टनर से नहीं मिलने दूंगा। इतना लिखने के बाद उसने बहुत सारे लाफिंग वाले इमोजीज डाले थे। इसके बाद उसने लिखा था, बाय द वे तुम बहुत सुंदर लग रही थी, हल्दी का पीला रंग तुम्हारे ऊपर बहुत खिल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सोने का कोई मुजस्मा बना दिया हो, आई एम वेरी लकी टू हैव यू। इसके बाद बहुत सारे किस और हग वाले इमोजीज थे। अदिति उसके मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी और उसे यूं मुस्कुराता हुआ देखकर रावी और कुहू हंस रहे थे। अदिति ने पूरा मैसेज पढ़ने के बाद रिप्लाई टाइप किया, माय लव, तुम कब से जालिम दुनिया से डरने लगे, अपने प्यार को पाने के लिए मजनू ने लोगों के पत्थर तक खाए थे और तुम हो कि मुझसे मिलने के लिए तुम इस दुनिया से टक्कर भी नहीं ले पा रहे हो। इतना लिखकर उसने मैसेज सेंड कर दिया। अभी
उसे मैसेज भेजे मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे कि विमान रूम में आ गया। उसके पीछे पीछे आयुष और रॉकी भी थे। वो दोनों ही हंस रहे थे। आदिति ने उसे देखकर थोड़ा डरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो फिर हम दोनों की खैर नहीं। तुमने अभी मेरी मम्मी का गुस्सा देखा नहीं है। विवान ने हंसते हुए कहा, मैडम मजनू ने तो लोगों के पत्थर खाए थे ना, तो मैं क्या तुम्हारी मम्मी की डांट भी नहीं खा सकता। आदिति थोड़ा घबराते हुए बोली, अरे वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में लिख दिया था, मुझे थोड़ी पता था कि तुम ऐसे यहाँ आ जाओगे। प्लीज विवान जाओ ना यार, अगर मम्मी पापा या अंकल आंटी ने किसी ने भी देख लिया ना, तो कितना बुरा लगेगा उनको। प्लीज जाओ ना। विवान उसके पास आकर खड़ा हो गया और फिर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, ठीक है जाता हूँ, पर एक बार मुझे तुम्हें जी भर कर देख तो लेने दो। फिर उसने उसके माथे पर किस किया और बोला, लव यू। आदिति के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। विवान ने अपना मोबाइल निकाल कर उसके साथ एक सेल्फी ली और फिर वो वहां से जाने लगा। तभी उन लोगों ने सुना आदिति की मम्मी नीचे से आवाज लगा रही थी, अरे कुहू तू ऊपर है क्या? वो मेहंदी वाली अभी तक क्यों नहीं आए? सबने डरकर कुहू की ओर देखा। आदिति बहुत धीमी आवाज में बोली, कुहू प्लीज जल्दी से बाहर जाकर देखना, अगर मम्मी यहाँ ऊपर आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुहू रूम के बाहर जाते हुए बोली, आप चिंता मत करो दी, मैं देखती हूँ, पर हाँ अभी कुछ देर के लिए ना विवान सर, मेरा मतलब है जीजू को यहाँ से बाहर मत आने देना। जब नीचे सब क्लियर होगा ना, तो मैं मिस कॉल दे दूंगी, उसके बाद ही आप इन्हें नीचे आने देना, ठीक है? विवान ने उसकी ओर अपना थंब दिखाते हुए कहा, वेरी स्मार्ट गर्ल। कुहू हंसती हुई चली गई। मेहंदी वाले की बुकिंग कुहू ने ही की थी और माधवी जी उसी के बारे में पूछना चाहती थी। वो ऊपर आती उसके पहले ही कुहू जल्दी से नीचे की ओर चलती और उनसे बात करने लगी। इधर रूम में सभी घबराए हुए से खड़े थे। रॉकी बोला, मैं भी जाकर देखता हूँ सब ठीक है या नहीं। विवान ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा ये क्यों नहीं बोलता कि कुहू के पीछे पीछे जाना है तुझे? अब रॉकी से ये सब सहन नहीं हो रहा था। वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, विवान प्लीज, मेरे और कुहू के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। अरे हम दोनों तो दोस्त भी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। उसकी बात सुनकर आदिति ने थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, हाँ क्योंकि तू किसी और से प्यार करता है ना? ये बात सुनकर आयुष और विवान शॉक्ड थे। उन दोनों में से कोई कुछ पूछता उसके पहले ही आदिति ने फिर से कहा, बोलना रॉकी, मैं सही बोल रही हूँ ना? रॉकी के लिए भी ये किसी शॉक से कम नहीं था। उसके दिमाग में लाखों ख्याल आ जा रहे थे। वो सोच रहा था कि ये बात आदिति को कैसे पता चले कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। इसका मतलब है कि कुहू ने इसे सब बता दिया है। ओह गॉड, पर कहीं उसने इसे ये तो नहीं बता दिया कि मैं इसी से प्यार करता हूँ। आदिति रॉकी से उस लड़की के बारे में पूछ रही थी जिससे वो प्यार करता है। रॉकी ये जानकर डर गया था। उसे लगा कि कुहू ने आदिति को सब बता दिया, ये भी कि वो उससे प्यार करता है। आदिति ने पूछा, बता रॉकी, तू किसी से प्यार करता है ना? रॉकी ने थोड़ा डरते हुए कहा, ये तो